लूप्स के बारे में आप सब जानते हैं, लेकिन एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैम जब लूप्स में इतने फ्लेवर आते हैं तो क्या स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट, कोला ये सब फ्लेवर्स को मुंह में ले लेना चाहिए? क्या आप लूप्स को खा सकते हैं, या फिर आप जब टंग से ओरल करते हैं तो क्या ये मुंह में चले जाएं तो हानिकारक तो नहीं होते? लेट्स टॉक अबाउट आर लूप्स एडिबल, क्या हम इन्हें खा सकते हैं या नहीं? नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर नेहा मेहता, मैं एक सेक्स काउंसलर हूँ, काफ़ी साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। लूप्स आजकल हर कोई यूज़ करना चाहता है, अलग अलग फ्लेवर्स में आती है, लेकिन क्या नुकसान हो सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, अगर आप यूज़ करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूरी है और इसे अंत तक ज़रूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं कि ल्यूब्स यूजुअली फ्रिक्शन को घटाने के लिए होता है। बहुत बार हमारे बॉडी पार्ट्स बहुत ज़्यादा रफ होते हैं जब हम सेक्स परफॉर्म करते हैं, या फिर हमारे जो लोअर जेनाइटल एरिया है वहाँ पे ल्यूब्रिकेशन नहीं, ऑटोमेटिकली नहीं आ पाता जब हम बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं, या हमारी बॉडी अच्छे फ्रेम में नहीं होती है। बहुत बार हम अपने पार्टनर के हाइजीन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, स्मेली आपको बहुत बार लगता है, घबराहट होने की वजह से हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में हमारी बॉडी नेचुरली ल्यूब्रिकेंट प्रोड्यूस नहीं करती है। फीमेल की बॉडी में यूजली थोड़ा सा प्रीकम आने लग जाता है, मेल की बॉडी में आने लग जाता है, एंड दैट हेल्प्स टू पेनिट्रेट वेल, जिसकी वजह से आप आसानी से सेक्स कर पाते हैं। लेकिन जब ऐसी सिचुएशंस में नहीं होता तो हम ल्यूब्रिकेंट का इस्तेमाल करते हैं। मोर ओवर ल्यूब्रिकेंट इस्तेमाल किए जाते हैं बॉडी के और दूसरी जगह पे जहाँ पे आपको ओरल परफॉर्म करना है, जैसे ब्रेस्ट के एरियाज पे या बॉडी में कहीं भी आप ल्यूब का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट क्वेश्चन बहुत कॉमन ये पूछा जाता है कि मैम जब ल्यूब अलग अलग फ्लेवर्स में अवेलेबल है, स्ट्रॉबेरी है, चॉकलेट है, कोला है और मल्टीपल फ्लेवर्स में अवेलेबल है, तो क्या जब हम ओरल कर रहे हैं और ये मुंह में चला जाए तो ये सेफ है? यस, इट्स एब्सोल्युटली सेफ, लेकिन ये कोई खाना नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ले दो। यूजली ये ग्लिसरीन या वाटर या थोड़े से केमिकल एजेंट से बना हुआ होता है, लेकिन इसका एक्सेसिव कंजम्पशन इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। लेकिन जब आप परफॉर्म कर रहे हो, आपके टंग से थोड़ा सा मुंह में चला जाता है, तो इससे किसी भी तरीके का नुकसान नहीं है। ऐसा हो सकता है कि आपने हद से ज़्यादा क्वांटिटी ली हो तो पेट में थोड़ी सी गड़बड़ हो जाए, या आपको थोड़ा लूज मोशन जैसा लगने लगे, या थोड़ा सा अपसेट, दैट इज एब्सोल्युटली ओके। बट इसकी वजह से कोई कैंसर फॉर्मेशन होने वाली है और अत्यधिक प्रॉब्लम्स होने वाली हैं, ऐसा एक्चुअली पॉसिबल नहीं है। सब्सक्राइब करें और ऐसे बहुत सारे और क्वेश्चंस के लिए मेरे साथ बने रहें।